मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। 24 आवर्स टुडे न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से। आपको बता दें, फतेहगंज पूर्वी नेशनल हाईवे पर उच्चिया मोड़ के पास 3 वाहन भिड़े। खबर जिला बरेली की तहसील फरीदपुर से है। सीतापुर हाईवे पर फिर हुआ खूनी वाहनों की भिड़न में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद पहुंचाया अस्पताल। फरीदपुर कस्बे से 15 किलोमीटर दूर फतेहगंज पूर्वी के निकट हाईवे पर उच्चिया मोड़ शिवा ढाबा के समीप हुआ बड़ा हादसा। उल्टी साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर। बस में बैठे कई यात्री हुए घायल तथा कई वाहन एक दूसरे के पीछे से टकरा गए, जिसका नगर में उपचार करा दिया गया। बुधवार सुबह 9 बजे उच्चिया मोड़ के पास आनंद विहार दिल्ली से शाहजहांपुर जा रही रोडवेज बस नंबर UP30AT6825 कोहरे के कारण आगे जा रहे एक ट्रक से टकरा गई। तभी रोडवेज के पीछे चल रहे शरद उपाध्याय अपने ड्राइवर राहुल के साथ बरेली से आर्टिका कार UP25B के 80-80 से शाहजहांपुर जा रहे थे। उनकी कार भी रोडवेज में पीछे से टकरा गई। गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि बस ड्राइवर नईम के थोड़ी चोट लगी है, लेकिन ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। कुछ समय पहले उसके आगे थोड़ी ही दूरी पर एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर के चलते फतेहगंज पूर्वी पुलिस वहां मौजूद थी और तुरंत ही मौके पर पहुंचकर सड़क पर पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए पुलिस को लगाया। तभी एक और गाड़ी GJ02CG8122 भी कोहरे में दिखाई नहीं देने के कारण रोडवेज के पीछे से टकरा गई। हालांकि चोट उसमें भी किसी के नहीं आई। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर वाहनों को रोड से साइड में करवाया और हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से लगे लगभग 2 घंटे जाम को सुचारू रूप से चालू करवाया। एक तरफ वेग का कहर तो दूसरी तरफ हाईवे पर जानलेवा गड्ढे, अलावा निर्माणाधीन फ्लाई ओवर वाहन चालकों और यात्रियों को अपने आगोश में ले रहे हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था को हाथ से गले नहीं उतर रहे। तहसील से सुबोध शर्मा की रिपोर्ट।